गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी नील सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं मॉर्निंग में अपने किचन से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ। आज बेबी का छुट्टी है तो मैं सोची आराम से आज ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। वैसे तो हड़बड़ रहता है ना बनाने का, बट आज आराम से बनाना है मेरे को। और मैं आलू बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ एंड मटर मेरे को छीलना है। आलू मटर की मसालेदार सब्जी बनाऊँगी, मेरा फेवरेट है आलू मटर की सब्जी। और अभी तो सीजन है ना मटर का, तो आम मटर की सब्जी तो हमेशा बनते रहता है। और कोई भी सब्जी में मटर हम ऐड करते हैं ना तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, और आलू मटर की तो बात ही कुछ और है। और फिर मैं यहाँ पे मटर छील रही हूँ। एंड मेरा आज ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मेरा फेस से आप लोग को लग ही रहा होगा, फीवर हो गया था मेरे को नाइट में। तो फिर भी ब्रेकफास्ट तो बनाना होगा ना क्योंकि बेबी है, तो फिर मैं वही मॉर्निंग में उठ के अपने कामों में लग गई हूँ। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पर बने रहिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, छोटा सा वीडियो है। आजकल ना वीडियो पे व्यू नहीं आता है इसलिए मन नहीं करता है वीडियो शूट करने का, पता नहीं चैनल को क्या हो गया है। और लोग कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं ना वो लोग का अच्छा व्यू आता है, और हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी कुछ भी व्यू नहीं आता है। और मेरा वॉच टाइम तो बहुत सारा बाकी है, पता नहीं कब कम्प्लीट होगा। प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आलू मटर की सब्जी बनके रेडी हो गया एंड मैं रेसिपी शेयर नहीं की ना क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है। मैं सब्जी चढ़ा के उसके बाद फिर अपने कामों में लग गई थी, बर्तन धोना था, किचन क्लीनिंग करना था, और बनके सब्जी रेडी हो गया। और साथ में पूड़ियाँ बनाई हूँ, आलू मटर की पूड़ी और सब्जी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग का भी फेवरेट है क्या? तो प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई, सारा मेरा किचन क्लीन हो गया है, गैस या एंड बर्तन वगैरह सब मैं साफ़ कर ली। देन मेरे को झाड़ू पोछा लगाना था तो वही मैं किचन को झाड़ू लगा रही थी, उसके बाद फिर पूरे घर में लगाऊंगी। पहले किचन क्लीनिंग ज़रूरी है ना, फर्स्ट में पहले अपने किचन की सफाई करना है, उसके बाद फिर रूम वगैरह की। मॉर्निंग में किचन काफ़ी गंदा हो जाता है ना क्योंकि जब खाना बनता है तो, और अभी मैं सारा क्लीन कर दी हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी। तबीयत ख़राब रहता है ना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम वगैरह करने का, बट क्या करूं, करना पड़ता है ना। और मेरे को आपको देख के लग रहा होगा कि मैं कितना बीमार हूँ, वैसे मेरे को बस एक ही दिन फीवर था ना, बट मेरे को अजीब सा फेस सूख गया है। मैं अपने कामों में लग गई थी और बेबी को रूम पे मैं कुछ बनाने के लिए दी हुई थी पढ़ने के लिए, तो वही वो लिख रहा था क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है ना, तो उसको नहीं पढ़ाऊँगी तो वो बैठता नहीं है, इसलिए मैं बोली मैं काम कर रही हूँ तुम बैठ के पढ़ो, और वो बैठ के अपना रीडिंग कर रहा है। उसके बाद ना मैं उसको बीच बीच में देखने आती थी कि वो लिख रहा है या नहीं, बट वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। और स्कूल आज छुट्टी था तो वो नहीं गया हुआ था स्कूल।
घर के काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है ना, क्योंकि स्कूल या फिर ट्यूशन वगैरह से तो कुछ नहीं होता है। और मैं तो ट्यूशन दी नहीं हूँ, अपने बेबी को घर पे ही पढ़ाती हूँ। स्कूल जाता है फिर उसको 1 आवर घर पे पढ़ाती हूँ ना, वो सारा कुछ कंप्लीट कर लेता है। वाह बिट्टू पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए कैमरा में बोलिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड इवनिंग। ओह फ्लाइंग किश भी। आज तो बेटा जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, रेड रेड पहने हैं, दिखाइए अपना। फिर मेरा पैकिंग स्टार्ट हो गया है। मैं कहाँ जा रही हूँ, और मैं बताती हूँ कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ना, क्योंकि विंटर सीजन ख़त्म हो गया था। जितना भी स्वेटर वगैरह था ना, तो सारा मुझे रखना था, तो वही मैं सारा धो के रखी थी। और सोच रही थी ना कि इसको सारा मैं रख दूँगी, क्योंकि अब तो विंटर अभी आने वाला नहीं है ना, तो बाहर रहेगा तो फिर से गंदा हो जाएगा, तो अभी तो फिर रखना पड़ेगा मेरे को। तो वही मैं सबको ना अच्छे से सेट करके और रख दूँगी। और बैग देख के लग रहा होगा आप लोगों को कहीं जा रही है, बट कहीं मैं जा नहीं रही हूँ। मैं सारा विंटर सीजन का जो भी कपड़ा था ना, मैं सारा रख रही हूँ। आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो शूट की हूँ, प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट कीजिएगा। एंड मेरा पैकिंग हो गया, मैं चली अब। विंटर सीजन का पैकिंग मेरा हो गया। और आप लोग बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे ना कि होम टूर कराने के लिए, जब से मैं YT पे आई हूँ ना, मेरे को एक दो फ्रेंड कमेंट करते हैं कि अपना होम टूर कराइए, बट मैं किसी वजह से ना अपना होम टूर नहीं करा रही थी। बट सोची ना अब कराती हूँ, और ख़ुद से कैमरा पकड़ के होम टूर कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, बट मैं ट्राई करूँगी। इससे जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना, वो मेरा होम टूर का रहेगा। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट कीजिएगा। देन बेबी को मालूम नहीं है ना कि मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, तो वो मेरे को ना बार बार पूछ रहा है, मम्मा नानी के यहाँ जाना है क्या, पैकिंग कर रही हूँ। और वो बहुत ना खुश हो गया, एक्साइटेड, मतलब बार बार मेरे को पूछ रहा था। तो मैं ना उससे झूठ बोली, हाँ बेटा नानी के यहाँ जाना है, बट नहीं, फिर बाद में मैं बता दी नहीं नानी के यहाँ नहीं जाना है। जितना स्वेटर वगैरह था ना, सारा मैं रख दी। और मैं काम करके थोड़ा सा थक गई हूँ, अब चलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो